फंस रहा है। ओके सो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन इस तरह का है जिसमें कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस एक ब्रांच से कैपेसिटेंस और फिर दोनों तरफ ऐसा कैपेसिटेंस है, इन दोनों के बीच में एक ईएमएफ का सोर्स भी एडेड है। ओके इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर बनाना चाहेंगे तो ये कैपेसिटेंस दोनों हमने यहाँ यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटेंस नीचे का है, ये कैपेसिटेंस सी हो गया और ये जो वायर नीचे आया था मैंने उसको स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा और अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से एक कैपेसिटेंस इधर और ये दूसरा कैपेसिटेंस हमने ये इस पॉइंट से पकड़ करके ऐसा खींचा और ऊपर उठा दिया, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस सी आ गया और फिर नीचे में भी इसी तरह से कनेक्टेड है। सो आप ये देख लो कि ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर समझ में आ गया और ये दोनों से आगे जा करके बैटरी कनेक्टेड है। ओके अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है सी सी, जो बैटरी हमने अप्लाई किया वहाँ ये पोटेंशियल भी देगा और इस साइड में यहाँ का पोटेंशियल जीरो देगा, तो यहाँ ऊपर से जिस तरह का है नीचे से भी वैसा ही है, इधर से भी है, इधर ही पूरी तरह सिमिलरिटी है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। उस केस में याद ये करना होता है कि आप ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये और ये मल्टीप्लाई करो, अगर सेम आ जाता है मीन्स सी इंटू सी, सी स्क्वायर सी इंटू सी, सी स्क्वायर अगर आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाता है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है, उस केस में बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा और अब आप इस बीच वाले कैपेसिटर को हटा सकते हो। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में अगर हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हम फिगर मिलेगा वो मुझे इस तरह का मिलेगा, बीच का हट गया है और इन दोनों के बीच में आप ये बैटरी कनेक्ट कर दो। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का एक अब अगला स्ट्रक्चर जो हम बना सकते हैं वो आ जाएगा, दिस इज सी बाय टू, नीचे में भी सी बाय टू एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी जो कि भी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C by 2 plus C by 2, ये C by 2 क्यों आया, 1 by C plus 1 by C equal to 1 by C equivalent करेंगे तो इन दोनों का equivalent आएगा, फिर इन दोनों का आएगा, इन दो ये दोनों आपस में parallel combination है, so they will give equivalent capacitance of C, this is your answer। Stop। इस question में भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो आप इसको ट्राई करो कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाने पे ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो सीरीज में हम इन दोनों को अगला स्टेप में जो फोटो बना सकते हैं वो मिल जाएगा मुझे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो सीरीज में C प्लस सी वन बाई सी प्लस वन बाई सी करके करेंगे तो C बाई टू हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया। नीचे तरफ से चलते हैं, इस केस में एक कैपेसिटेंस है C, अब ये दोनों जो हैं ये दोनों भी सीरीज में हैं तो उन दोनों का हम अगर शॉर्ट निकालना चाहेंगे तो अब ये आ रहा है हमारा C बाई टू और ये दोनों का, तो इन दोनों को ऐसा अलग अलग बना सकते हैं, ये दोनों को मिलाकर C बाई टू हुआ, ये दोनों को मिलाकर C बाई टू हुआ, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और वो इस कैपेसिटेंस से कनेक्टेड है, अब ये ऐसा हो गया।
ओके, ये पोटेंशियल है। अब इसको फिर से रीस्ट्रक्चर हम कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 पैरेलल में होता है तो ये C हो गया ऊपर का, दिस इज C/2। अब ये कनेक्टेड है B बैटरी से और नीचे में है C, ये C/2 हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक C हमने बना दिया और ये C है। अब ये तीनों हमारे कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C/2 विल बी प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम ले लो C ऊपर में 2 प्लस 1 प्लस 1 1/C इक्विवेलेंट, तो C equivalent will be C/4, आपका भी आना चाहिए। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो Q इक्वल टू होता है C equivalent इंटू V, C equivalent इज C/4 इंटू वोल्टेज अप्लाइड V, दिस इज C V/4। You have given a question with capacitors C1, C2 and C3. All three are connected in parallel with a battery B. Just I am making a change. I am making a single change in this connection. If we delete this potential source from here and connect from this side, then it will look like something different. It is connected to same potential source. ऐसा कर सकते या नहीं? हमने क्या किया, जो यहां से कनेक्ट किया हुआ था थोड़ा वायर का लेंथ बढ़ाया, उसी जगह को बाहर से कनेक्ट कर दिया। अब देखने में पता चल रहा है ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो भी पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, वो यहाँ का भी वोल्ट 12 है, यहाँ का भी वोल्ट है वो 12 वोल्ट, और नीचे से सब जगह जीरो। देयरफॉर चार्ज स्टोर्ड ऑन C1, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है अगर ये देखना है, तो हम लोग कैसा निकालेंगे, Q1 इक्वल टू C इंटू V, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और फर्स्ट के लिए तो C1 इंटू V, तो C1 का वैल्यू हमारे पास पता है, दिस इज 2 इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर इज, यहाँ का वैल्यू 12 वोल्ट है और यहाँ का 0, तो 12 माइनस 0 इज 12, दिस इज माइक्रो कूलम, इट इज इन माइक्रो फैराड, सो इट विल बी माइक्रो कूलम। Similarly, charge stored on second capacitor Q2, इन दोनों के बीच का चाहिए, this is C2 into potential difference, so C2 is 4 microfarad into 12, and Q3 is charge stored on third capacitor, this is C3 into potential difference, so C3 is given 6 microfarad, 6 into 12, this is 72 micro coulomb. So if it is being asked how much charge is supplied by the battery, see how much charge is supplied by the battery, then you have to add all these because it has stored 24, or you can write C equivalent into V, this will be charge supplied by बैटरी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को जोड़ लो और उसको पोटेंशियल डिफरेंस से कितना आएगा, 144
माइक्रोकूलम, ये तीनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ से 144 माइक्रोकूलम चार्ज निकला तो इस पे 24 प्लस माइनस 24, इस पे प्लस 48 माइनस 48, और इस पे प्लस 72 माइनस 72, ये चार्ज माइक्रोकूलम्स में स्टोर्ड हो जाएंगे। ओके, सो नोट डाउन प्लीज। ओके, इस इस सर्किट में 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है 8 माइक्रोफेराड से, फिर 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। इस पूरे को देखेंगे तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक इसका सिंप्लीफाइड अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा, आप समझ लो। 8 माइक्रोफेराड, ये 4 और 4 दोनों सीरीज में है तो पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके 8 माइक्रोफेराड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस, तो हमारे पास 8 माइक्रोफेराड ऐसा हो गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 × 8 डिवाइडेड बाय 8 + 8, 16। दिस इज फोर माइक्रोफेराड। ओके, सो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी क्यू विल बी सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सो वी इज 12 वोल्ट एंड सी इक्विवेलेंट वी हैव गॉट, दिस इज 4 माइक्रोफेराड इंटू 12, दिस इज 48 माइक्रोकूलम। सो दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सप्लाइड बाय बैटरी। फिर से ध्यान दो, ये जो Q चार्ज निकला वो कहाँ से आएगा, यहाँ से Q चार्ज निकलेगा और इस पे स्टोर होगा प्लस Q, इस पे माइनस Q। सो चार्ज स्टोर्ड ऑन 8 माइक्रोफेराड 48 माइक्रोकूलम, कोई डाउट है? हाँ, फिर से समझ लो, हमने कैसा कैलकुलेट किया, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसको Q से Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू बी किया तो हमें 48 माइक्रोकूलम आया। अब ये 48 माइक्रोकूलम यहाँ चल करके पहुँचा है, मतलब इस निगेटिव टर्मिनल पे माइनस 48 आया होगा। अब आगे जाने के बाद दो कैपेसिटर्स हैं वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब यहाँ तक का जो कैपेसिटेंस, यहाँ तक जो चार्ज आया होगा वो 48 माइक्रोकूलम होगा, और वहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर 4 माइक्रोफेराड से, दूसरा 4 माइक्रोफेराड से, चूँकि दोनों ये इक्वल है, दोनों पैरेलल में है और इक्वल वैल्यू का है, तो जो 48 माइक्रोफेराड है वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, इट विल बी, अगर यहाँ से क्यू आया तो इस पर क्यू बाई टू प्लस माइनस क्यू बाई टू, इस पर भी प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू। सो चार्ज ऑन ईच 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स इज हाउ मच, Q by 2 means 48 by 2, this is 24 माइक्रो कूलम, आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, नोट डाउन। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अगर ये एक 10 वोल्ट का बैटरी 5 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड से ऐसे कनेक्टेड है तो आप बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा वो बताना है, और अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि ईच कैपेसिटर्स पे कितने चार्ज स्टोर होंगे। कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसी स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 माइक्रोफेराड जो यहाँ से यहाँ है हमने ये बना दिया, दिस इज 5 माइक्रोफेराड, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। अब दूसरा जो है ये इस जगह से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से कनेक्टेड है और ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इस वायर को कहीं भी ले जा सकते हैं। सपोज करो कि इस वायर को पहुँचा करके हमने यहाँ ले आया, अब हमें ये जो वायर है जो इस साइड से आया हुआ है मैं उसको ऊपर खींच लेता हूँ, ये पूरा पकड़ करके ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड, ये है 5 माइक्रोफेराड का था। अब जो बच गया वो कौन सा है, अब बच गया
ये बैटरी, तो बैटरी यहाँ से यहाँ तक हमने कनेक्ट कर रखा है, दिस इज 10 वोल्ट. दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, दिस इज माइक्रोफेरेड. सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू भी, भी जो हमारा है वो 10 वोल्ट है, तो हमने लिख दिया दिस इज 110 माइक्रो कूलम. ये आपका आंसर हो गया. किसी भी स्ट्रक्चर को आप ट्राई करो कि कैसे घुमाने से वो सिंप्लीफाई हो जाता है. अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सो नोट डाउन प्लीज. दीज आर टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. लेट अस सपोज चार्ज Q, प्लस Q एंड माइनस Q आर ऑन द प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, एंड A इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट. अब अगर सपोज करो कि एक प्लेट और दूसरा प्लेट साइड बाय साइड ऐसा रखा है, तो उन दोनों के बीच में फील्ड बनेगा. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सपोज करो इस जोन में, तो पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर नहीं होगा, कंडक्टर के, दो कंडक्टर्स के बीच में होगा. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंडक्टर्स के बीच होगा, उसके बाहर नहीं होगा. और ये पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में होगा. और अगर आप थोड़ा सा गॉस लॉ याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्लेट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अगर हमने फ्री स्पेस रखा है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा. बट सिग्मा क्या होता है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया. सो वी कैन राइट हियर चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये टू आ गया. दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स. और ये प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं. और आपको ये भी पता है कि अगर सपोज करो ये जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें अगर कोई चार्ज हमने क्यू रखा तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, तो हम अगर ऐसा देखेंगे तो ये अगर पॉजिटिव प्लेट जो है, सपोज करो पॉजिटिव प्लेट ये है और इसके सामने निगेटिव प्लेट है, तो निगेटिव प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो चार्ज है, यहाँ हमने माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑन निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर एफ शुड बी इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, अब ये फोर्स देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये निगेटिवली चार्ज्ड है. अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो उस पर फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन में आपको पहले से बता देता हूँ, ये निगेटिव प्लेट है, फील्ड का डायरेक्शन उधर है तो इधर लगेगा. मतलब ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो निगेटिव प्लेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई से. इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो Q है और E का वैल्यू वहाँ से आया, सो दिस इज Q बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट. आप सभी को कंबाइन कर लो तो F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट. दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. ये निगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट के डायरेक्शन में लग रहा होता है, सिमिलरली पॉजिटिव प्लेट पे निगेटिव प्लेट के सामने लग रहा होता है. और इसलिए अगर दो प्लेट्स को हम फिक्स नहीं रखते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं. दोनों जो प्लेट्स होता है कैपेसिटर्स का, उन दोनों के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज लग रहा होता है. अगर हम उनको कंस्ट्रेंट नहीं करें, रोके नहीं, तो वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं और शॉर्ट कर सकता है. तो हमको उन दोनों को फिक्स रखना पड़ता है और दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना पड़ता है, जो हमने डी पहले बताया था कि दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप होना चाहिए. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. नोट डाउन प्लीज. ओके,
अब नेक्स्ट जो हमको बनाना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर्स के बीच में फोर्स लग रहा होता है। अब सपोज करो कि कोई आदमी अगर इसको चाहता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दे, या अगर दोनों प्लेट आपस में चिपके थे तो उनको डी डिस्टेंस पे ला करके हम छोड़ दें, ओके। तो अब क्या होगा, ये तो इस पर फोर्स तो अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर कोई आदमी इसको चाहता है कि इसको मूव करके आगे ले जाए तो उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। सो द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द प्लेट इन आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी दिस इक्वल टू दिस मच। ये फोर्स अट्रैक्शन है तो हमको उतना ही फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन इन सेपरेटिंग प्लेट्स बाय डिस्टेंस डी। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन हमको डी चाहिए तो हमको वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमको वैल्यू मिल गया है ना यहां से, सो दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के हमने d तक शिफ्ट किया तो हमने उसको d से लिखेंगे, और दिस कैन बी रिटन एज, थोड़ा इसको खूबसूरत बनाते हैं, q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। ये टर्म को आपको याद करना होगा, ये हमने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस। सो दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, वेयर c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ये मैं पहले डिराइव कर चुका हूँ। सो अब जो वर्क डन आया दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड यू कैन से दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज द प्लेट इज बीइंग मूव्ड एट अ डिस्टेंस d। मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर हम d बढ़ाते हैं, d के पास ले जाते हैं, तो उनके बीच में ये एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, और दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू q को लिखते हैं c इंटू बी उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। दिस इज 1/2 इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। वन सी हैज़ बिन कैंसल्ड, दिस इज हाफ सी वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के रूप में आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो, हाफ सी वी स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी है, जैसा आप पढ़ते हो हाफ एम वी स्क्वायर उसी प्रोफाइल में बिल्कुल सेम जैसा है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कैपेसिटेंस मालूम होना चाहिए, हो जाएगा। या फिर अगर चार्ज स्टोर्ड है मालूम तब भी हो जाएगा, आप दोनों साइड से निकाल सकते हो। ओके, नोट डाउन प्लीज़।